हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के इस निःशुल्क स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हमारा डे 12 है और हम क्वेश्चन नंबर 22 और 23 इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। जो आज का हमारा प्रश्न है वह सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित होगा और उसके राज्य व्यवस्था के हिस्से से यह संबंधित है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद आपको हर बार की तरह 1 मिनट के करीब इसका मुख्य भाग और भूमिका और निष्कर्ष के बारे में सोचना है और उसका उत्तर लेखन करना है। आज हमने प्रयास किया है कि 150 शब्दों में बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्रश्न का उत्तर लिखकर प्रदान किया जाए, ताकि उत्तर लेखन में इसको एक मॉडल उत्तर की तरह आप उपयोग कर सकें। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ के प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, न्यायालय में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली है उसकी कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विवेचना करना है। ठीक है, सबको पता होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है जो तीव्र गति से न्याय प्रदान करे और सामान्य कोर्ट की तुलना में कम समय में न्याय प्रदान करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न को समझने की, तो आपको क्या बताना है, कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना करनी है, अर्थात कार्यप्रणाली में सकारात्मक तथ्य क्या क्या हैं और कार्यप्रणाली में समस्याएं क्या क्या हैं। आपको इन दोनों पक्षों की चर्चा करनी है और उसके बाद भूमिका में आप क्या बता सकते हैं और निष्कर्ष में क्या बताते हैं, अगर हम उसको देखें। तो देखिए, निष्कर्ष की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम भूमिका और मुख्य भाग समझेंगे। पहले आलोचनात्मक विवेचना का क्या मतलब होता है कि आपको इस प्रणाली के सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु दोनों बताने हैं, और जब आप नकारात्मक बिंदु बताएंगे तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह उन्हीं नकारात्मक बिंदुओं को किस प्रकार कम किया जाए, यानी नकारात्मक बिंदुओं को किस प्रकार कम किया जाए, यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा। अब हम बात करें भूमिका की, तो भूमिका में आप क्या बता सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित क्यों किया जाता है, यानी यह जो प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप भूमिका में चर्चा कर सकते हैं, या फिर आप क्या बता सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली क्यों बनाई गई। ठीक है, मतलब क्यों बनाई गई उस पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पृष्ठभूमि की एक चर्चा की है और फिर दूसरा भी हम समझेंगे, दो तरीके से किस प्रकार इसकी भूमिका लिखी जाए। तो एक जो पहली तरीके की भूमिका है, उसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय एकीकृत न्याय प्रणाली में, देखिए एकीकृत न्याय प्रणाली क्यों लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट, और मामले जो देरी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधीनस्थ कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस वजह से और देरी होती है मामलों की संख्या में। तो इसीलिए एकीकृत न्याय प्रणाली का उपयोग किया है उत्तर लेखन में। भारतीय एकीकृत न्याय प्रणाली में लगभग 3 करोड़ केस लंबित चल रहे हैं, जो न केवल न्याय से वंचित करता है, देखिए केस हमने कई बार सुना होगा, न्याय में देरी न्याय से वंचना के समान है, न्याय में देरी न्याय में वंचना के समान है। तो न केवल ये न्याय से वंचित करता है बल्कि व्यापार सुगमता में भी बाधक है, और व्यापार सुगमता यानी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह अर्थव्यवस्था के लिए, कि जो कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर आप बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इसका एक महत्वपूर्ण अवयव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कब होता है, जब हमारी कोर्ट प्रणाली यानी जो न्याय प्रणाली है वो तीव्र गति से निर्णयन करे। लेकिन भारत में इतने ज्यादा केस लंबित चल रहे हैं, तो क्या ये व्यापार सुगमता में भी बाधक है बल्कि न्याय से वंचना भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्टों को स्थापित किया गया है। तो आप ये इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा तरीके का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, दूसरा तरीके का कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक महत्वपूर्ण वाद है जिन लोग को याद है उसका प्रयोग कर सकते हैं, कि हुसैना आरा खातून वाद में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि त्वरित न्याय अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, यानी त्वरित न्याय भी मूल अधिकार है, और इसी की स्थापना हेतु भारत में क्या किया गया, त्वरित न्याय स्थापित करने के लिए भारत में क्या किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली की स्थापना की गई। तो यह हमारी भूमिका हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य भाग में क्या लिखना है। मुख्य भाग में आप फिर से एक बार समझ लीजिए, आलोचनात्मक विवेचना यानी इस प्रणाली के सकारात्मक बिंदु, और दूसरा इस प्रणाली में समस्याएं क्या क्या है। तो सकारात्मक बिंदुओं की बात करें तो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तीव्र गति से मामलों का निपटारा,
उदाहरण के लिए आप बात करें पॉक्सो, पॉक्सो जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, पॉक्सो के लिए अलग है, राजनीतिक अपराधिकरण के लिए अलग न्यायालय बने थे। इसमें क्या होता है, न्यायाधीश होते हैं वो तीव्र गति से मामलों का निपटारा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनको समान तरीके से मामलों का अनुभव हो जाता है, यानी विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, तीव्र गति से मामलों का निपटारा हो जाता है। दूसरा, वंचित वर्गों को विशेष लाभ होता है और तीव्र एवं निःशुल्क न्याय प्राप्ति के लक्ष्य अनुच्छेद 39A, जो अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान का कहता है नीति निदेशक तत्वों में, वो क्या कहता है कि त्वरित न्याय और निःशुल्क न्याय प्राप्ति, राज्य ऐसा कार्य करेगा कि निःशुल्क न्याय की प्राप्ति हो सकेगी, तो ये इस लक्ष्य की भी पूर्ति करता है। इसके बाद ये न्यायिक जवाबदेही तथा विश्वसनीयता में वृद्धि करता है। हम तीव्र गति से निर्णय लेते हैं, जब तीव्र गति से न्याय की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, न्यायिक विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, ठीक है। और भारत जैसे जो राज्य है, भारत जैसा जो राष्ट्र है, इसके लिए न्यायिक विश्वसनीयता में वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि सबसे अधिक भरोसा अगर जनता करती है तो किस पर करती है, न्यायालय पर करती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। इसके अलावा भी आपको जो मन में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखें कि आपके पास 150 शब्द ही सीमा है, तो आपको इसके अंतर्गत ही, आप चाहें तो अगर आपको कुछ और बिंदु याद है तो फ्लो डायग्राम बना के 1, 2, 3 करके इसके सकारात्मक बिंदु आप लिख सकते हैं। इस बार बात करें कि इसमें समस्याएं क्या हैं, क्योंकि पूछा है आलोचनात्मक विश्लेषण विवेचना कीजिए, तो इसकी समस्याएं क्या हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली की, कि इसके लिए अलग से न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है और सामान्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालते हैं। अर्थात जो मुख्य इसमें मुद्दा था, ये क्या करेगा, विशेषज्ञ रूप से तीव्र गति से न्याय प्रदान करेगा, वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है। और आपको पता होगा भारत में लगभग 8000, हम कह सकते हैं कि 8000 पद अधीनस्थ न्यायालयों में, लगभग 5000 पद क्या कहते हैं उससे नीचे, और हाई कोर्ट में लगभग 500-600 पद खाली है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ 8 से 10 पद खाली है। तो आपको इन चीजों का एक बार ये डाटा, आपको आंकड़ा देखना पड़ेगा, केवल यह समझने के लिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणालियों के लिए अलग से न्यायाधीश नहीं है, और ये जो सामान्य न्यायाधीश है इनके ऊपर ही इसका अधिक भार पड़ जाता है, ठीक है, अधिक भार इसी के ऊपर पड़ जाता है। फिर दूसरा जो समस्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं है, अतः यह सामान्य प्रक्रिया से ही कार्य करता है, जिसमें मतलब देरी ना हो। आप समझे एक बात, कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली है वो स्थापित कर दी गई, परंतु इसके लिए विशेष प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी, अर्थात किस प्रकार जो कागज हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, उनको किस प्रकार पेश किया जाए, एक विशेष तरह की प्रक्रियाएं हो जिसे तीव्र गति से न्याय प्रदान हो सके। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए कोई विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह सामान्य प्रक्रिया से ही काम करता है, जो सामान्य न्यायालय काम करती है एक तरह से वही न्यायालय का काम ये भी करता है। और इससे क्या होता है, वो कोई काम नहीं हो पाता जिससे देरी ना हो, ऐसा कोई काम नहीं हो पाता जिससे देरी ना हो, बल्कि देरी होने का कार्य इसमें भी होता है। फिर दूसरा, अलग से अवसंरचना का अभाव है, यानी इनके लिए कोर्ट परिसर, वाहन आदि अलग से उपलब्ध नहीं है, तो यह समस्या भी है। इसके अलावा राज्यों के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण में देरी की जाती है और नियुक्तियों में देरी की जाती है, यानी निर्माण नहीं होता। आपको पता होगा जो 14वां वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग ने राज्यों के ऊपर पूरा छोड़ दिया था कि जो इसका वित्तीय भार होगा वो राज्य उठाएंगे, ठीक है, राज्य इसका वित्तीय भार उठाएंगे। उसके बाद राज्यों ने लगभग इसका निर्माण भी कम कर दिया है, और इसके साथ जो निर्माण करते भी हैं तो इससे संबंधित नियुक्तियों में बहुत ही देरी होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट समस्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी न्याय दिया जाता है, और जल्दीबाजी में न्याय में गलती की संभावना को बहुत ही आसानी से जन्म दे सकता है, यानी न्याय में गलती भी हो सकती है, इस बात को भी ध्यान देना आवश्यक है। तो हमने समस्याओं की चर्चा कर ली और इसके सकारात्मक बिंदु हमने दो चीजें देख ली। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, जो हमारी समस्याएं थी, समस्याएं क्या थी, यही कुछ समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान, तो कैसे समाधान होगा, कि लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है, LIMBS प्रणाली है, इसके सामान्य न्यायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया जाए, ऑनलाइन केस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाए, ताकि क्या हो, जो हमने बात किया था तीव्र गति से जो इनकी विशेष प्रक्रियाएं हैं उनको तीव्र गति से अनुरेखित किया जा सकेगा और तीव्र गति से न्याय निर्णयन किया जा सकेगा, अगर सारे फाइल कागजात समय पर मौजूद है तो, ठीक है, जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली बात होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम देखें कि लोक अदालतों, मध्यस्थता एवं सुलह का प्रयोग किया जाए। आपको पता होगा कि भारत में लोक अदालतों द्वारा लगभग 8 करोड़ मामले अब निपटाए गए हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरक के रूप में लोक अदालतों एवं मध्यस्थता एवं सुलह का प्रयोग किया जाए।
इसके अलावा आप कह सकते हैं फास्ट ट्रैक कोटों के लिए विशेष दिशा निर्देश, जो हमने कही थी कि विशेष प्रक्रियाओं का अभाव है, तथा निर्णय में बाध्यकारिता लाई जाए, तथा हम कह सकते हैं कि न्यायालय यानी न्यायिक प्रणाली में ही समग्र सुधार की आवश्यकता है, जो ये 3 करोड़ केस लंबित चल रहे हैं उनका समाधान कर सके। तो इस प्रकार आपका एक अच्छा निष्कर्ष भी हो गया और आपने मुख्य भाग भी लिख लिया, मुख्य भाग को समझ भी लिया। अब चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न पे। हमारा द्वितीय प्रश्न पुनः सामान्य दंड के द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित है, जो कि सामाजिक न्याय के हिस्से से आएगा। प्रश्न पढ़ते हैं और आप पहले प्रश्न पढ़ के 1 मिनट में इसका मॉडल उत्तर तैयार करें, 1 मिनट रूल लगाएं, मॉडल उत्तर मतलब कम से कम सोचें दिमाग में कि मॉडल उत्तर में क्या क्या पक्ष होने चाहिए और क्वेश्चन की समझ क्या है। उसके बाद आप हो सके तो 10 मिनट के अंदर, वैसे यूपीएससी में आपको 150 वर्ड के लिए 7 मिनट ही टाइम मिलता है, लेकिन आप कम से कम 10 मिनट के अंदर एक मॉडल उत्तर तैयार करके नीचे कमेंट सेक्शन में डालने का प्रयास करें। तो प्रश्न है, भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने के कारकों की व्याख्या करते हुए इससे निपटने के लिए हाल के दिनों में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न बिल्कुल सीधा है, बोला है कि भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने वाले कारक क्या है, पहला ये पार्ट। फिर दूसरा पार्ट है इससे निपटने के लिए सरकार के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, यानी क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और जब हम यही बात करते हैं तो क्या क्या कदम उठाए गए और कदमों में जो कमियां रहती है वो हमारा क्या हो जाता है, निष्कर्ष हो जाता है। तो अब देखते हैं सीधे सीधे हम प्रश्न की तैयारी करते हैं कि क्या लिखना चाहिए हमें प्रश्न में। तो भूमिका की हम बात करें, देखिए इस प्रकार का कोई प्रश्न है, अगर महिलाओं और बच्चों की तस्करी, ठीक है, ड्रग्स अब्यूज है ना, अगर ड्रग्स अब्यूज से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो आपको हमेशा, आपको आंकड़ा याद हो ना हो, आपको विशेष कुछ संस्थानों को कोट करना चाहिए उत्तर में, उत्तर लेखन में विशेष संस्थानों को कोट करना चाहिए। कैसे, जैसे यहां पे मैंने कोट किया यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार, ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ड्रग्स एंड क्राइम, देखिए ये तथ्य आप कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम का हम उपयोग कर देते हैं तो हम अपने जो भूमिका लिख रहे हैं, ऐसे जब संस्थानों का प्रयोग कर दे रहे हैं तो भूमिका को हम क्या करा रहे हैं, वैलिड करा दे रहे हैं, भूमिका की हम पुष्टि कर दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने भी कहा है कि दक्षिण एशिया में भारत महिलाओं एवं बच्चों के तस्करी का एक सबसे प्रमुख क्षेत्र बन के उभरा है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, इसका भी आप कोट कर सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में महिलाओं एवं बच्चों की जो तस्करी है उसमें समय के साथ वृद्धि देखी गई है और विभिन्न उपायों के बावजूद इसमें कमी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप भूमिका लिख सकते हैं, यानी संस्थाओं को कोट कर सकते हैं भूमिका में कि किन संस्थाओं के अनुसार क्या है, ठीक है। इसके बाद बात करें, सीधे हम प्रश्न पाएंगे क्योंकि 150 शब्द का प्रश्न है और इसमें आपको 15 से 20 शब्दों में ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। तो सीधे हम प्रश्न को देखते हैं कि पूछा क्या है प्रश्न का मुख्य भाग में, कारक क्या है तस्करी में योगदान देने वाले और उसके लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है, यानी सरकार क्या कदम उठा रही है। तो हम सीधे इसको समझते हैं, कारक को देखिए, अब फिर से एक बात करें, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस अगर आप सोचें तो क्या है, सामाजिक न्याय, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये 2 मुख्य बिंदु हैं जीएस पेपर 2 के, राज्य व्यवस्था भी है, मतलब ये सभी हैं। तो देखिए जब आप उत्तर लेखन करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर क्षेत्र से एक एक पॉइंट उठाएं, ठीक है, आपका जो उत्तर हो इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ पॉइंट को कवर करता हो, आपका जो उत्तर हो सामाजिक न्याय के कुछ बिंदुओं को कवर करता हो, आपका जो उत्तर लेखन हो वो राज्य व्यवस्था के कुछ बिंदुओं को कवर करता हो। तो इस प्रकार आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करनी होगी। तो हम बात करें अगर इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में पूछा है कि कारक क्या है, तो कारक को आप क्या विभाजित कर सकते हैं, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक और अन्य कारक, इस प्रकार आप चाहें तो सांस्कृतिक कारक, ऐसे भी कुछ कारकों का आप उपयोग कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। और जब आप इस तरह से हेडिंग लिखें तो उसको कोशिश करें एक छोटे से स्क्वायर बॉक्स में उसको बंद कर दें, इससे क्या होता है आपका उत्तर लेखन देखने में आकर्षक लगता है क्योंकि आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन अलग अलग यूज करने का टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि हम ब्लू पेन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसी से हम क्या करें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो बात करें आर्थिक कारक क्या है, तो आर्थिक कारक में 2 कारक हो सकते हैं कि भारत में बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी इत्यादि संगठित अपराध विद्यमान है, ठीक है, ये सबको पता है कि भारत में ये समस्याएं विद्यमान है। फिर दूसरा, भारत में गरीबी की विद्यमानता, आपको पता होगा लगभग 30% जो भारतीय है वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब इससे क्या होता है, ये तस्करी में योगदान देती है, कैसे, गरीब लोगों को भटकाना, बरगलाना बहुत ही आसान है। आप देखें कि उत्तर पूर्वी राज्यों में
बार बार ये कहा जाता है कि चलिए आपको दिल्ली में नौकरी दिलवाई जाएगी, और उसके बाद दिल्ली में नौकरी के नाम पर उनके साथ मानव तस्करी किया जाता है। तो आप इस समस्याएं से भली भांति परिचित होंगे। तो आप कह सकते हैं गरीबी की विद्वानता और बाल मजदूरी वेश्यावृत्ति जैसे कारक, ये क्या है, मुख्यतः आर्थिक कारक है। अब हम सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक कारक में क्या होगा, पंजाब हरियाणा आदि राज्यों में लिंगानुपात बहुत कम है, और लिंगानुपात कम है यानी महिलाओं की कमी है, और महिलाओं की कमी है तो क्या होगा, बिहार जैसे राज्यों से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को बढ़ावा दिया जाएगा जहां पे लिंगानुपात अपेक्षाकृत बढ़िया है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप सामाजिक कारक में और लिख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी अनुपलब्धता भी क्या करती है, तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। इसके बाद हम बात करें कि भौगोलिक कारक क्या है। देखिए एक ये महत्वपूर्ण कारक है। आप अगर बात करें कि भारत की, तो भारत की जो अवस्थिति है, ये भारत का जो ये अफ्रीका है ये भारत है, भारत ये दक्षिण एशिया का एक देश है, और दक्षिण एशिया विश्व का सर्वाधिक गरीब स्थानों, मतलब अफ्रीका की बात हम बात करें, अफ्रीका के बाद जो विश्व का सबसे गरीब स्थानों में से एक स्थान है। तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश म्यांमार नेपाल जैसे गरीब राष्ट्रों की विद्यमानता है, ये इस कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्करी भी होती है। आपको पता होगा बांग्लादेश म्यांमार और नेपाल से भारत में महिलाओं की तस्करी की जाती है, महिलाओं और बच्चों की। तो ये भी एक प्रमुख कारण है भौगोलिक कारण। और भौगोलिक कारण में और प्रमुख कारण क्या है कि भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार हैं, इनसे एक तो खुली सीमाएं हैं, दूसरा सीमाएं इस प्रकार है कि उनका जो रक्षा करना है, सीमाओं की जो रक्षा करना है वो कठिन हो जाता है। तो इस कारण भी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की भी समस्या यहाँ पे विद्यमान है। इसके बाद बात करेंगे अन्य कारकों की। तो अन्य कारक क्या है, भारत में बधुआ मजदूरी आदि से संलग्नता है इस अपराध की, ये भी एक तरह से तस्करी, मानव तस्करी एक अपराध है, और ये क्या है, संगठित अपराधों से इसकी संलग्नता है। जैसे आप कह सकते हैं ड्रग तस्करी, जो तस्करी द्वारा लाई गई जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको मुख्यतः ड्रग्स के नशे में रखा जाता है ताकि वो कंप्लेन ना कर पाए, शिकायत दर्ज ना करा पाए। फिर दूसरा है आपदाओं से प्रभावित लोगों की तस्करी। आपको पता होगा कहीं अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहां पे व्यापक विनाश हुआ, तो उन लोग की तस्करी बहुत ही आसान हो जाती है, और भारत जो राज्य है वो कहीं ना कहीं इन लोग के पुनर्वास में तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाता है। तो आपदा से जो प्रभावित लोग हैं वो तस्करी के प्रति बहुत ही अधिक सुभेद्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने ये कारकों को चर्चा कर ली। अब पूछा है कि सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए। तो उपायों में हम बात करेंगे कि उज्ज्वला योजना लाई गई है जो कि तस्करी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास करती है। इसके अलावा सबला स्कीम, स्माइल जो कि बच्चों को खोजने का प्रयास है गृह मंत्रालय द्वारा, इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रीलिम्स में जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं कि भारत में तस्करी के लिए रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको यहाँ पे डालें। उदाहरण के तौर पे तस्करी रोधी कानून में एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो आदि की स्थापना भी की गई, हाल में एक तस्करी निरोधी कानून लाया गया भारत में। इसके अलावा सीमा सुरक्षा पर बल दिया जा रहा है, उदाहरण के तौर पे आप देखें कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS प्रणाली को लागू किया जा रहा है, जिसमें लेजर रडार और आप कह सकते हैं स्पेशल इंक्रिप्टेड डाटा कनेक्शन जो है सीमा सुरक्षा बलों की सहायता करेगा, तो इस पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के ड्रग एवं तस्करी विरोधी दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार कर रही है। तो आप कह सकते हैं ये कुछ प्रयास भारत सरकार कर रही है। अब बात करेंगे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि बहुआयामी उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं बच्चों की तस्करी जो है एक व्यापक समस्या है, एक जटिल समस्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुआयामी उपाय करने होंगे। और बहुआयामी उपाय क्यों, क्योंकि जो इनके कारक हैं आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, भौगोलिक हैं एवं अन्य कारक हैं। तो इन सभी आयामों पर भारत सरकार को ध्यान देना होगा। यानी अगर हम एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारत सरकार को गरीबी कम करने में भी कदम उठाने होंगे, साथ ही साथ ये जो लिंगानुपात कम है इसको बढ़ाने के लिए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल्फी विद डॉटर जैसे स्कीम्स को और अच्छी तरीके से लागू करना होगा। इसके अलावा भौगोलिक की बात करें तो भौगोलिक में क्या करना होगा, CIBMS प्रणाली जैसे सिस्टमों को तीव्र गति से लागू करना होगा। तो यानी बहुआयामी उपाय की आवश्यकता है। इसके अलावा हमने इसमें इंटरनेशनल रिलेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ दिया कि भारत को सार्क, बिम्स्टेक और SCO आदि मंचों का प्रयोग इस समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने हेतु करनी चाहिए। तो देखिए इसको हम समझते हैं एक बार कि हमने बोला था कि इंटरनेशनल रिलेशन को भी ऐड करने का प्रयास करें, तो देखिए कैसे है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही गरीब है, और अगर हम राष्ट्रों के साथ सहयोग और समझौते कर सकते हैं तो ये तस्करी से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण और भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा निष्कर्ष कंप्लीट हुआ, हमने मुख्य भाग को समझा और हमने भूमिका को भी समझी कि किस प्रकार अच्छी भूमिका लिखते हैं, सामाजिक न्याय के प्रश्नों में किस प्रकार संस्थानों को कोट करते हैं, ठीक है। और आने वाले लेक्चर सीरीज में हम इसी प्रकार के
प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसकी विस्तृत तैयारी के लिए आप इन क्वेश्चन आंसर बुकलेट्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूर्वांचल आईएएस का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप गोरखपुर में हैं तो पूर्वांचल आईएएस की आप फेस टू फेस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।